Hello everyone, welcome here. So hi, my name is Shayani. So guys, in today's video, I'm going to share with you the review of some skincare products which I absolutely loving right now, and they are made in France. So yeah, मैं जो made in France skincare products है, ये brand की जो product है, वो मैं use कर रही हूँ for over a month. And कोई भी skincare products को मैं एक month से ज़्यादा use करने के बाद ही जो review है, वो मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ, ताकि जो ये skincare products की merits है, demerits है, तो everything वो मैं आप लोगों के साथ share कर पाऊँ. So guys, तो जो skincare products की मैं बात कर रही हूँ, जिस brand की मैं बात कर रही हूँ, वो है Bioderma. तो आज 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास Bioderma की. तो ये जो प्रोडक्ट्स की रिव्यू है एंड एप्लीकेशन है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो मेरी कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन ब्यूटीज है, सिर्फ ब्यूटीज नहीं, जो हैंडसम है, तो उन लोगों के लिए है. तो ये जो प्रोडक्ट्स है गाइज, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयल स्किन पीपल. सो या तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा गाइज. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो चलिए गाइज, और ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो Bioderma की प्रोडक्ट्स है, दे आर ऑल मेड इन फ्रांस, जो कि बहुत ही अच्छा है. जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है. गाइज, ये जो 3 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो ये 3 प्रोडक्ट्स ही स्पेशली कॉम्बिनेशन टू ऑयल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, सो दैट्स वाई मेरी जो नोज एरिया है एंड फोरहेड की सेंटर पोर्शन है, तो वो काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है. एंड गाइज, मैं ओवर 1 month ये जो प्रोडक्ट्स है इसको यूज कर रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट गाइज. सो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है ये Bioderma CBM H2O माइसलर वाटर. तो दिस CBM H2O माइसलर वाटर इज अ डर्मेटोलॉजिकल नॉन रिंस माइसलर वाटर गाइज, विच क्लींजेस एंड प्यूरिफाइज द स्किन विदाउट मेकिंग इट ड्राई. तो डेफिनेटली गाइज, ये जो माइसलर वाटर है, ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. ये माइसलर वाटर को यूज करने के बाद आप चाहो तो आप अपनी फेस को वॉश नहीं भी कर सकते हो. तो ये नॉन रिंस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ये माइसलर वाटर. तो एक्नी एंड ऑयल इज यू नो दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड, एंड दिस माइसलर वाटर इज स्पेशली मेड फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्नी प्रोन स्किन. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग गाइज. ये CBM H2O माइसलर वाटर में प्यूरिफाइंग एजेंट्स है लाइक कॉपर सल्फेट, जिंक ग्लूकोनेट. तो ये जो है वो स्किन को प्यूरिफाई करता है, बहुत ही अच्छे से क्लींस करता है स्किन में जो भी ब्लेमिश है, एंड एवं सेक्रेशन को कंट्रोल करता है. तो यू कैन यूज दिस ऑन योर बेयर स्किन बिफोर स्टार्टिंग स्किन केयर और बिफोर स्टार्टिंग मेकअप. ऑल्सो यू कैन यूज दिस टू रिमूव योर मेकअप, चाहे वो यू नो वाटर प्रूफ मेकअप हो या ना हो. सो दिस रिमूव योर मेकअप सो गुड, लाइक मैजिक गाइज. सो या लाइक मैजिक. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड माइसलर वाटर. इफ यू वॉन्ट, तो आप ये जो स्मॉलर बॉटल है वो पहले ले सकते हो, एंड देन जो बिगर बॉटल है वो आप ले सकते हो. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. की जो लिंक है गाइज, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट गाइज, आई हैव योर Bioderma CBM जेल मूजन. सो इट्स अ सॉफ्ट जेंटल प्यूरिफाइंग क्लींजर फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. सो एज यू कैन सी गाइज, की जो पैकेजिंग है वो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है. तो इट्स यू नो ब्लूइश जेल लाइक फॉर्मूला एज यू कैन सी. सो आई हैव द स्मॉलर ट्यूब. सो अगेन, ये 3 साइज में अवेलेबल है. तो ये सबसे स्मॉल साइज है. सो दिस इज 45 ml, थोड़ा ही अमाउंट लगता है, एंड ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है. तो मैं हमेशा मेरी जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है, तो डबल क्लींजिंग करती हूँ. तो पहले मैं जो CBM H2O माइसलर वाटर है तो उसको मैं यूज करती हूँ, एंड देन ये जो CBM जेल मूजेंट है Bioderma की, तो वो मैं यूज करती हूँ. एंड एज यू कैन सी गाइज, की ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. सो ये जो 45 ml की ट्यूब है गाइज, तो ये 1 month तक आराम से चल जाएगा अगर आप एक जन यूज करोगे. सो गाइज, आपकी अगर मोस्टली स्किन में पिम्पल एक्ने की प्रॉब्लम है, सो मेक श्योर कि जो आप फेस वॉश यूज करें तो उसमें सोप बिल्कुल भी ना हो, तो वो सोप फ्री फेस वॉश हो. तो दिस इज अ कम्प्लीट सोप फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक फेस वॉश. जो कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट होता है वो आपकी जो पोर्स है तो उसको यू नो ब्लॉक कर देता है, बट जो नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स है वो तो जो नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है तो वो पोर्स को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता है, क्लॉग पोर्स को वो प्रिवेंट करता है, पोर्स को क्लीन करता है. तो ये फेस वॉश में गाइज जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट है, जो कि पोर्स को क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है, एंड जो सीबम सिक्रेशन है तो उसको भी ये लिमिटेड करता है. एंड गाइज, इसमें थोड़ा सा हल्का सा सेंट है, तो दिस इज अ सेंटेड फॉर्मूला.
तो एक हल्का सा सेंट है जो कि बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा, तो ये बहुत ही अच्छे से स्किन को क्लीन करता है, बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट करता हो तो वो एक्चुअली सोप है उसके अंदर, तो वो फेस वॉश में सोप है। तो क्योंकि ये सोप फ्री है तो ये जो फेस वॉश है ये बहुत ज़्यादा लेदर नहीं क्रिएट करता है, बट ये बहुत ही अच्छे से फेस को क्लीन करता है विदाउट ड्राइंग इट सो मच। तो ये जो नेचुरल सीबम सिक्रीशन है फेस की, तो उसको ये कंट्रोल करता है विदाउट ड्राइंग आवर स्किन वेरी वेरी मच। सो गाइस दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश। एंड लास्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस बायोडर्मा सीबीएम पोर रिफाइनर। सो दिस इज अ डर्माटोलॉजिकल करेक्टर फॉर परसिस्टेंट इनलार्ज पोर्स। सो गाइस हमारी स्किन में जो पोर्स है, जो सिर्फ फेस में नहीं, हमारी पूरी जो बॉडी है, फेस एंड पूरी बॉडी में ही पोर्स होती है। तो पोर्स अगर ना हो तो जो हमारी स्किन है वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो पोर्स रहना स्किन में डेफिनेटली जरूरी है गाइस। लेकिन जो पोर्स की साइज होती है तो वो किसी की बड़ी या छोटी होती है किसी की स्किन में। तो ये जो सीबीएम पोर रिफाइनर क्रीम है, सो ये तो इसकी काम है पोर्स को टाइटन करना, पोर्स की जो अपीयरेंस है उसको रिड्यूस करना, एंड हमारी जो स्किन की टेक्सचर है सो उसको रिफाइन करना। तो ये पोर रिफाइनर में एग्रिक एसिड है जो कि एक एस्ट्रिंजेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये एग्रिक एसिड को, तो ये जो एस्ट्रिंजेंट इंग्रेडिएंट है, तो इसको एक और एक स्मूदनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन किया जाता है। एंड ये जो प्रोडक्ट्स है तो ये हमारी जो स्किन की टेक्सचर है तो उसके ऊपर ये काम करके, स्किन में जो बहुत ज्यादा टेक्सचर होती है तो उसको ये काफी हद तक रिफाइन करता है। सो वैसे जो पोर रिफाइनर क्रीम है तो इसमें एक मैटिफाइंग पाउडरी फॉर्मूला है, सो दैट्स व्हाई ये जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शाइन है स्किन में तो उसको ये रिड्यूस करता है, एक मैटिफाइंग फिनिश देता है स्किन में। एज यू कैन सी गाइस कि ये कितनी ज्यादा इजीली एंड क्विकली ये ब्लेंड हो गया, एंड ये कंप्लीटली एक मैटिफाइंग इफेक्ट देता है। सो दैट्स व्हाई आप इसको स्किन केयर में तो यूज डेफिनेटली करोगे, अपीयरेंस है पोर्स एंड टेक्सचर की स्किन में तो वो थोड़ा सा स्मूदनिंग हो जाए। सो दैट्स व्हाई बिफोर मेकअप भी आप ये पोर रिफाइनर क्रीम को यूज कर सकते हो। एंड अगेन गाइज दिस इज अ नॉन कमर्जेनिक फॉर्मूला, सो दैट्स व्हाई दिस डजंट क्लॉग योर पोर्स। एंड ऑल्सो इसमें थोड़ा सा सेंट है, बहुत ज्यादा माइल्ड, अगेन लाइक द फेस वॉश, तो इसमें भी बहुत ही एक माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बट अगेन इट नॉट गोइंग टू बॉदर यू एट ऑल। आई लव दिस थ्री प्रोडक्ट्स वेरी वेरी मच। तो ये मेरी डेली जो स्किन केयर रूटीन है, एंड ऑल्सो मेकअप से पहले भी मैं ये जो प्रोडक्ट्स है इसको मैं यूज करती हूँ। लेट मी नो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, हेल्पफुल लगा या नहीं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।